गीता अपने पति रमेश और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। गीता का पति मजदूरी का काम किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना मिल पाता था। उसके अलावा किसी चीज पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रमेश की माँ भी काफी बूढ़ी और बीमार थीं। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन रमेश को काफी तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गीता के पति का एक छोटा भाई राजू भी था, जो बहुत चालाक किस्म का आदमी था। भाई की मृत्यु के बाद वो थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। कुछ दिनों में अपनी माँ को उल्लू बनाकर खेती बाड़ी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है। राजू अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है, भाभी तो जाकर खेतों में काम करेंगी नहीं, सो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, बाकी भाभी और बच्चों की चिंता मत करो, उनका सारा खर्च मैं उठा लूंगा, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ राजू की बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, पर राजू बहुत मक्कार निकलता है। दो चार दिनों में वो जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद करके भाग गया, अब हम लोग क्या करेंगे। गीता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है, मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली, मैं इन दो छोटे बच्चों को और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी। भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, घर का एकमात्र सहारा हमसे छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खत्म हो गया। अब तो ना घर में राशन था और ना ही पैसे बचे थे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे जुड़े हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन तो उन लोगों की मदद करते हैं, पर धीरे धीरे सब लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। गीता अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब बस केवल थोड़े से दाल और चावल ही बचे हैं, आज का ही खाना बन पाएगा, कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी तो बीमार रहती हैं, उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। आप चिंता बिल्कुल न करें, आप तो भगवान की इतनी पूजा करती हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, तुम भी उनसे प्रार्थना करना। चलो अब खाना खा लो। बच्चों और सास को खाना खिला लेने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा। गीता जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई घर पर है? इस भूखी बुढ़िया को भी खाना खिला दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर गीता तुरंत बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। गीता ने अपने लिए जो थोड़े से दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में डालकर ले आती है। ये जो थोड़ा बहुत खाना है खा लो, मेरे पास आज केवल इतना ही भोजन है, आप इसे ग्रहण कर लें। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते गीता से पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? गीता उस बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताते हुए कहती है कि किस तरह अचानक उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उसके ऊपर आ गया और कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज तो राशन भी खत्म हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ी सास को छोड़कर कैसे बाहर काम पर जाऊं, और यदि काम नहीं किया तो इनके लिए खाना कहां से लाऊंगी। बूढ़ी अम्मा गीता की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, तुमने ये जो दाल चावल बनाए थे इनमें बहुत ही स्वाद था, तुम्हारे हाथ में स्वाद है, घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती, जिससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कमाई का जरिया भी बन जाएगा।
मैं तुम्हें एक नमक का पैकेट देती हूँ। ये एक जादुई नमक है, तुम अपने खाने में इसी पैकेट से नमक डालना, फिर देखना उस खाने का स्वाद। तुम्हारा सारा खाना हाथों हाथ बिक जाएगा और तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा गीता को एक नमक का पैकेट देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं घर पर रहकर ही सब काम कर लिया करूंगी और मुझे अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो, तुम्हारे मन में लोगों के लिए दया भाव है और तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई नमक दे रही हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हाँ, ये याद रखना, ये पैकेट कभी भी खाली नहीं होगा, बस तुम इसे एक जगह संभाल कर रख देना और हमेशा खाने में नमक इसी में से डालना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। गीता अगले ही दिन भगवान का नाम लेकर खाना बनाने का काम शुरू करती है। पहले दिन वो दाल चावल ही बनाती है और उसमें वही जादुई नमक डालती है। वो अपने आसपास के सभी घरों में कहलवा देती है कि आज से वो दाल चावल बनाकर बेचने का काम शुरू कर रही है। जिसे भी दाल चावल लेने हो वो उससे खरीद सकता है। पहले ही दिन कुछ लोग गीता से दाल चावल खरीद कर खाते हैं तो उसके दाल चावल के स्वाद से वो लोग बहुत खुश होते हैं। गीता बहन, वाह क्या बात है, ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, है? हम भी रोज घर में दाल चावल बनाते हैं, परंतु ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया भाई। हाँ भाई, ऐसे दाल चावल ना गुड्डू की माँ जो है 100 साल लगा कर भी नहीं बना पाएगी, बता रहा हूँ। स्वाद आ गया भाई सच में। गीता के बनाए दाल चावल धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। पूरे गांव भर में उसके दाल चावल की तारीफ होने लगती है। उस जादुई नमक के स्वाद ने अपना जादू चला दिया और गीता के बनाए दाल चावल गांव भर में मशहूर हो गए। अब गीता जितना भी खाना बनाती वो हाथों हाथ बिक जाता। गीता की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे बनाए दाल चावल पूरे गांव भर में सबको पसंद आ रहे हैं और रोजाना ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर को रख लूं और हम दाल चावल के साथ साथ सब्जी और रोटी भी बनाकर बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई और बढ़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम इतने मन से और साफ सफाई से खाना बनाती हो तो खाने में तो स्वाद आएगा ही। तुम इसी तरह मेहनत करती रहो, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। बस फिर क्या था, गीता अगले ही दिन से मुन्ना नाम के एक लड़के को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है। खाना तो गीता ही बनाती थी जिसमें वो जादुई नमक डालती, परंतु खाना परोसना, ग्राहकों से पैसे लेना और उन्हें खाना डाल कर देना, ये सब काम के लिए उसने मुन्ना को रख लिया। मुन्ना काफी गरीब था और चालाक भी। जब उसने देखा कि गीता का बनाया हुआ खाना इतना बिकता है तो वो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी किसी तरह खाना बनाकर अपना अलग ठेला लगा लूं। यहाँ नौकरी करते तो मुझे 4 पैसे ही मिलने वाले हैं, परंतु अपने ठेले से मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। मुन्ना अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, ये दिन भर की नौकरी करने के बाद मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आता, इतनी कम तनख्वाह में भी भला गुजारा होता है क्या, हैं? मैं सोच रहा हूँ जब गीता औरत होकर इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी अलग ठेला लगा लूंगा। जब इस काम में इतनी कमाई है तो मैं अलग से ठेला लगाकर ज्यादा मुनाफा क्यों ना कमाऊं भाई, हैं? कब तक उस गीता का नौकर बना रहूंगा। पर भाई, ठेला चलाने के लिए तुम्हें गीता जैसा स्वादिष्ट खाना भी तो बनाना होगा कि नहीं, हैं? अभी तुम कुछ दिन उसे देख देख कर उसके जैसा खाना बनाना सीख लो, तभी नौकरी छोड़ना। हाँ, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके जैसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा तभी तो मुनाफा होगा। मुन्ना सोचने लगता है, गीता खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है, ये बात पता करनी पड़ेगी। यदि मेरा खाना गीता के खाने की तरह स्वाद बनेगा तभी तो बिकेगा।
एक दिन छुपकर मुन्ना गीता को खाना बनाते हुए देखता है। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि गीता ने कोई खास मसाले नहीं डाले, बस एक डिब्बे में से नमक निकाल कर खाने में डाला। मुन्ना सोच में पड़ जाता है, बस केवल नमक मिलाने से खाने में इतना अनोखा स्वाद कैसे आ जाता है? हो ना हो, इसी नमक में कोई खास बात है। यदि मैं इसका नमक का पैकेट चुरा लूं, तो मैं भी इससे जो खाना बनाऊंगा उसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसा कि गीता के खाने में आता है। बस फिर क्या था, मुन्ना लालच में आकर गीता का नमक चुरा लेता है और चुपचाप उसे अपने घर ले जाता है। गीता की बेटी ने मुन्ना को नमक चुराते हुए देख लिया था। वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। गीता ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका नमक चोरी हो गया। अब उस जादुई नमक के बिना वो खाना कैसे बनाएगी? वो रोते रोते भगवान के आगे प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। वो बूढ़ी माँ जी जो मुझे नमक देकर गई थी, वो दुष्ट मुन्ना ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? मेरी मदद करो भगवान। गीता जैसे ही रसोई घर में खाना बनाने जाती है, वो देखती है कि वैसा ही नमक का एक और पैकेट वहाँ पड़ा है। गीता ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये नमक का पैकेट यहाँ कैसे आ गया। गीता भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी मदद की। वो तुरंत जादुई नमक से खाना बनाने लग जाती है। उधर दूसरी ओर मुन्ना भी उस चुराए हुए नमक से खाना बनाकर अपने ठेले पर लगाता है और सभी लोगों से कहता है, आइए आइए और मुन्ना के ठेले पर आकर स्वादिष्ट खाना खाएं। लोग मुन्ना के ठेले पर खाना खाने आते भी हैं, पर जैसे ही वो लोग खाना मुंह में डालते हैं, उसे थूकने लगते हैं। अरे थू, इतना बेस्वाद और गंदा खाना है, इसमें तुमने नमक मसाले डाले हैं या जहर डाला भाई? हैं? हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। लाओ हमारे पैसे वापस करो। सभी लोग मुन्ना को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है कि उसने तो पैसे उधार लेकर बहुत सारा खाना बना लिया था, परंतु सारा खाना बर्बाद हो गया जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। अगले दिन मुन्ना रोते हुए गीता से माफी मांगने जाता है। उसे समझ में आ गया था कि एक भली औरत के साथ बुरा करने और चोरी करने का अंजाम उसे मिल गया है। वो गीता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, गीता बहन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई नमक चुरा कर फायदा कमाने की सोची, परंतु मैं ये भूल गया कि जादुई चीज तो उसी व्यक्ति के यहाँ काम करती है जिसे वो दी जाती है। मैंने लालच में अंधे होकर तुम्हारा जादुई नमक चुरा लिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास दोबारा काम पर रख लो। मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़कर बहुत बुरा किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुन्ना को इस तरह से रोते देख गीता का मन पसीज जाता है। गीता मुन्ना से कहती है, अरे अब तुम रोना बंद करो। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा काम पर ना रखूं और तुम्हारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। पर आगे से हमेशा ये बात याद रखना कि किसी दूसरे की चीज पर अपनी नीयत खराब मत करना, क्योंकि चोरी की चीज कभी तुम्हें अच्छा फल नहीं देगी, बल्कि उसके दुष्परिणाम ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। मुन्ना को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसके बाद से वो पूरी ईमानदारी के साथ गीता के यहाँ काम करने लगता है।